मतदान में महज 2 दिन बाकी हैं। प्राइम टीवी की टीम लगातार अलग अलग जिलों में जा रही है और जान रही जनता का रुझान क्या है, जनता किसकी सरकार बनाती है, कि जनता जनार्दन है, उसमें महत्ता है, क्षमता है, किसकी सरकार बनाना है, किसकी बदलना है। और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के हींग और रंग की नगरी हाथरस में, जहां पर लगातार हम जान रहे हैं जनता की राय कि जनता क्या रुझान है, जनता क्या चाहती है और किसकी सरकार बनाने के पक्ष में है और यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं और यहाँ के काम क्या क्या हैं। क्या नाम है? राजीव गोस्वामी। राजीव जी हाथरस के निवासी हैं, यहाँ व्यापार करते हैं, क्या मानते हैं जनता नौकरी करते हैं तो क्या मानते हैं यहाँ पर जो अब तक कार्य हुए हैं, जो यहाँ के विधायकों ने कराए हैं और सरकार द्वारा कराए गए हैं, संतुष्ट है? और क्या मानते हैं कि आने वाले भविष्य में जो चुनाव आने वाला है, मतदान होने वाला है, तो किसकी सरकार बननी चाहिए? भाजपा की बननी चाहिए साहब, भाजपा की बननी चाहिए और मुख्यमंत्री योगी जी आएंगे। विपक्ष तो बोल रहा है उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। बहुत काम किया है, क्या क्या नहीं किया ये पूछिए विपक्ष से, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। शौचालय बनवाए और हर महीने आपको राशन का तेल है और चीनी है, नमक है, गेहूं है, सब चीज फ्री मिल रहा है। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि सरकार कोई काम नहीं किया। कुछ करेगा विपक्ष तो ये भी कहेगा ये क्यों कर रहे हो आप, विपक्ष तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन पक्ष वालों की बात देखिए ना, जो लोटा लेके बाहर जाती थी लेटरिंग करने के लिए, अब घर में बहू बेटी हमारी और आपकी जा रही है, वो बढ़िया है। तो राजीव गोस्वामी कह रहा है कि भाई योगी सरकार ने काम किया है, दोबारा योगी सरकार नहीं, और लोग भी हमारे साथ मौजूद जानते हैं उनकी क्या राय है। योगी दिनेश, योगी आने चाहिए बस, बस जो विपक्ष है वो तो लगातार बोल रहा है कि अखिलेश आएंगे और लहर, अखिलेश की कोई लहर नहीं चल रही भैया, योगी 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 बता रहे हैं आप जानते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम मदन गोपाल शर्मा है। मदन जी क्या मानते हैं कि यहाँ के जो अब तक काम हुए हैं, क्या समस्याएं यहाँ की रही हैं, क्या उनका निराकरण हुआ है? 5 साल में थोड़ा काम दिखने लगा है, 35 साल में कुछ नहीं दिखा सिवाय गुंडागर्दी, बदतमीजी, बदतहजीबी। आज सुकून है, आनंद है, अमन है, चैन है। लोग बाग परेशान होते हुए भी परेशानी जाहिर नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी है और फिर दूसरा हमारा योगी है। तो यहाँ के जो विधायकों ने जो काम किए उनके काम से संतुष्ट हैं? यहाँ के विधायक और सांसद कोई काम नहीं कर पाए जो चेयरमैन ने किया है। चेयरमैन ने शहर का विकास कराया है उसका हम मानते हैं। वाकई रामबीर ने भी यहाँ रह करके 25 बार यानी 5 साल, 5 बार का विधायक है शायद, 5 बार का विधायक है, उसने कुछ नहीं किया। 5 बार का स्वास्थ्य मंत्री रहा, एक नहीं बन पाया। जो 10 साल पहले, 50 साल पहले, 70 साल पहले जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो आज भी है, बस वही है। चेयरमैन ने काम किया, विधायकों ने कोई काम नहीं किया, किसी ने कोई है। सरकार केवल ये दो जो खम्भे हैं बड़े बड़े, इनके सारे, इनको वोट मिलेगा, इनको वोट मिलेगा मोदी का, यानी कि नहीं कहना चाहिए, वो भी जीतता है। और लोग जानते रहे क्योंकि एक ही राय डिपेंड नहीं होता है, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मानते हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए, यही समस्या क्या? नहीं बताएंगे। विकास है जी, विकास है जी, समस्या और क्या? विकास है। अब तक जो काम हुए कौन सी समस्याएं पर रही हैं और अब तक नहीं हो पाई? बिजली का बहुत समस्या रहती है, अगर कंप्लेन अगर रात को की है तो अगले दिन जाके 24 घंटे 48 घंटे में, जो कि 2-1.5 घंटे का काम रहता है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं रहता, उसको लेके काफ़ी लंबा खिंच जाता है काम। और काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप शहर की कॉलोनी में जाके देखोगे, जहाँ पानी का भराव आज से 10 साल से पानी का भराव है। कुछ इलाके तो मैं ही आपको बताता हूँ, लेबर कॉलोनी का इलाका, इधर नाई की नगले में आप जाके देखिए वहाँ का इलाका, इन सब जगह पानी का भराव पूरा रहता है। चेयरमैन से मैंने खुद 2 बार कंप्लेन करी है, आशीष शर्मा जी से, कोई काम नहीं हुआ। एप्लीकेशन की बकायदा फोटो सीट भी पड़ी होगी मेरे पास। तो बोल रहा है कि बहुत अच्छा काम किया चेयरमैन, नहीं काफी कुछ किया है। देखिए ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा मैं नहीं, देखिए ये पुल आज की डिमांड नहीं है, आज से 20 साल पहले की डिमांड थी, अब जाके पूरी हुई है 20 साल बाद। ये इसे विकास कहेंगे आप? जो काम 20 साल पहले हो जाना चाहिए था वो अब जाके हो रहा है, उसे आप विकास को विकास से कंपेयर करेंगे आप उसे? मुझे नहीं लगता। बीजेपी की इस बार सीट कम हो रही है, ये ऐसा मेरा विचार है, इस बार बीजेपी की सीट कम होगी। तो बता रहे हैं बीजेपी सीट कम हो रही है, यहाँ पर अब विपक्ष आ रहा है, हमारे और लोग भी मौजूद जानते हैं, क्या मानते क्या विमल भारद्वाज क्या मानते हैं कि किसकी सरकार आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए? अब सरकार तो आनी चाहिए, केवल हिंदू और मुसलमानों का मैटर है इसमें, बस और कुछ नहीं है, मुसलमानों का मैटर है बस बस। इसकी सरकार बननी चाहिए,
यहाँ के जब तक काम रहे समस्या रही है, कोई समस्या तो योगी जी की बनेगी, मोदी जी की बनेगी, लेकिन यहाँ के हमारे यहाँ के हाथरस के जितने भी एमपी और जितने भी एमएलए वो हैं, किसी ने कोई काम नहीं किया। चलिए ठीक, और लोग जान लेते हैं, हमारे साथ और लोग मौजूद है, कसमा भैया बोलेंगे नहीं बोलेंगे, चलो ठीक और लोग देखते हैं। जो हमारे चेयरमैन जी ने काम किया है, यासीन है मेरा नाम, मैं आदर्श का वासी हूँ। जो चेयरमैन साहब ने हमारे ने जो काम किया आदर्श में पिछले 25 सालों से किसी काम नहीं किया जो बीजेपी सरकार में हुआ है, और सरकार सरकार सबको बराबर हक दे रही है, ये नहीं है कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है किसको नहीं छेक रही है, सबको बराबर हक दे रही है, सबको राशन मिल रहा है। विपक्ष तो आरोप लगाता है, अखिलेश आ रहे हैं, विपक्ष तो लगाता रहेगा, विपक्ष तो बिल्कुल आरोप लगाएगा, जो काम आदमी बढ़िया करेगा उसमें तो विपक्ष आरोप लगाएगा ही लगाएगा, सबको साधन सबको सामान बराबर मिला है, जिंदाबाद। और लोग हमारे साथ मौजूद है, भैया क्या सुना आपका? मेरा नाम अनिल कुमार दीक्षित है, अनिल कुमार दीक्षित। दीक्षित जी, क्या मानते हैं कि जिस तरह से सरकार ने 5 साल का काम किया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार आरोपों का दौर जारी है, संतुष्ट है काम से और किसकी सरकार बनना चाहते हैं? बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं और यही बनेगी, और विपक्ष का कितने भी आरोप लगाए उनके आरोप सब खंडन हो जाएंगे। हाँ, और हमारे यहाँ जो चेयरमैन साहब हैं वो एक तरह के जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका दिमाग बहुत तेज है, तो छोटे स्तर में हमारे चेयरमैन साहब का भी छोटे मोदी के रूप में बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा चेयरमैन साहब बीजेपी के हैं, जब से चेयरमैन साहब बने बहुत अच्छा। चेयरमैन की बात कर, विधायक की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? विधायक काम नहीं किया क्या? विधायक नहीं आए, नहीं घूमने तो चुनाव तो विधायकों का है, चेयरमैन का चुनाव तो बाद में होगा, लेकिन अब टिकट दूसरे को मिली है, देखो शायद अगर जाए अंजुला माहौर। 5 साल में विधायक के काम से खुश नहीं है? हाँ, विधायक वैसे तो ठीक काम किया है, लेकिन वो ज्यादा वो नहीं आए, न किसी से मिलने आए न किसी से जुलने आए, उनसे असंतुष्ट है सब। हाँ, और अंजुला माहौर जो आएंगी इनसे उम्मीद है कि शायद काम होगा, और हाँ बीजेपी सरकार बीजेपी की बनाएगी। और लोग जान लेते हैं, भैया क्या सुन रहा? नीरज शर्मा। जय, क्या मानते हैं किसकी सरकार जो अभी से काम रहा है, किसकी सरकार बननी थी? मोदी जी की बनेगी। काम संतुष्ट है? बस बिंदास बिंदास। नहीं, कोई नहीं आएगा, बीजेपी आएगी ओनली। और लोग जान लेते, भैया क्या सुन रहा? पप्पू। सरकार 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया, अब सरकार की जो पूरा होने के बाद चुनाव आने वाले हैं, 10 तारीख से पहला मतदान है, और मतदान के बाद 7 चरण में मतदान होगा, उसके बाद जनता डिसाइड करेगी, जनता निर्णय करेगी किसकी सरकार बननी चाहिए। क्या मानते हैं, कार्यकाल से संतुष्ट है और किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? कि जनता जनार्दन का बहुत बड़ी भूमिका है। जिस टाइम जो योगी सरकार चल रही है ना साहब, योगी मोदी बहुत बढ़िया चल रहे हैं, कुछ दें या ना दें नौकरी फोकरी सब होती रहेंगी ये, लेकिन गुंडागर्दी है ना ये, जो सब खत्म कर रखी है, और यही चाहिए जनता को, गरीब आदमी को भी यही चाहिए, गुंडागर्दी खत्म है, और मेन चीज यही होती है साहब। और लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे जान लेते हैं उनका हाल क्या है। और लोग तुमसे मना करें ना, तुम जाओ। हेलो, चलो और लोग मालूम करते हैं, और लोग हमारे साथ मौजूद है, कुछ युवा लोग भी हैं, युवाओं से जानते हैं कि किसका सरकार बननी चाहिए। भैया क्या सुन रहा हूँ आपका? सर, मेरा नाम विष्णु है। क्या काम करते हैं विष्णु? मैं टेल का काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? चुनाव आने वाले हैं और किसकी सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए? सर देखो, शर्मा जी हैं अपने, ये तो काफ़ी अच्छे आदमी हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से खूब अपना संभाल रहे हैं जो भी है, मगर ये है कि जो सरकार है, सरकार तो देखो जो यहाँ के आदमी हैं और यहाँ की जनसंख्या है उनके हिसाब से ही सरकार बनेगी, और हमारे हिसाब से तो बने, अकेले आदमी के हिसाब से नहीं बन सकती है। चलो और लोग जान लेते हैं, भैया क्या नाम? रियान जी, चुनाव आ गए हैं, मतदान होना शुरू होने वाला है, क्या मानते हैं किसकी सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए? सरकार मुलायम सिंह यादव की बननी चाहिए, अखिलेश यादव की बननी चाहिए सरकार। योगी जी, काम संतुष्ट नहीं है ना? काम तो बढ़िया कर रहे हैं वो भी। खैर,
अखिलेश आने चाहिए। हाँ पहला बन्ना बेला जिसने कहा है अखिलेश सरकार बननी चाहिए, हमारे साथ और लोग भी मौजूद है, उनसे जानकारी कर लेते हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए, क्योंकि क्योंकि पहले चरण के मतदान में केवल दो दिन बाकी हैं, उसके बाद लगातार मतदान होना है, सात चरणों में मतदान होना उत्तर प्रदेश में, और चूँकि उत्तर प्रदेश ही वो चुनाव है जिसके द्वारा देखा जाता है केंद्र की कुर्सी की जो चाबी है वो उत्तर प्रदेश चुनाव से होकर जाती है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का रुझान है। हमारे साथ एक भाई राजेश अग्रवाल। अग्रवाल जी चुनाव आ गया है, पहले चरण का मतदान 10 तारीख को होना, उसके बाद लगातार चुनाव मतदान होना है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है कि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर जीत लिया तो केंद्र की चाबी भी मिल जाएगी। बिल्कुल सच। क्या मानते हैं किस तरह का चुनाव है और किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो हमारे यहाँ योगी जी की सरकार बनेगी, उन्होंने हमारे प्रदेश के लिए बहुत विकास किया है, गरीबों को राशन बांट रहे हैं, नई नई बढ़िया बढ़िया सड़कें और जो है पुल बना रहे हैं, चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। अगर समस्याओं की बात करें, रंग और हिंग की नगरी कहलाती है हाथरस, इसके अलावा कोई समस्या यहाँ पर रही जिनका अब तक निराकरण नहीं हुआ है यहाँ के विधायकों द्वारा, यहाँ की सरकार द्वारा? नहीं जी, पूरा निराकरण हुआ है, हमारा हिंग का ही काम है, हमें योगी जी ने बहुत सहायता की है, बहुत हमारी हिंग ODOP के अंतर्गत आती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे, जैसे यहाँ पे बहुत उन्होंने लोन दिया है, बहुत लोगों को सहूलियतें दी हैं, लेबोरेटरी की हमने उनसे मांग की है, देखिए भविष्य में उम्मीद है कि हमें लेबोरेटरी भी हाथ पर लग जाएगी, एक सरकारी लैब जिसको बोलते हैं। अगर यहाँ पर औद्योगिक की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, किस टाइप की इंडस्ट्री यहाँ पर लगी है और सक्सेस है, कैसी है कि रोजगार के मामले? रोजगार बहुत है, बहुत रोजगार दिया है, यहाँ हमारे नमकीन की फैक्ट्री बहुत बड़ी बड़ी कई फैक्ट्री है जिसमें हजारों हजारों आदमी काम करते हैं, हींग की कम से कम यहाँ 70 फैक्ट्री होंगी, रंग का बहुत बड़ा काम है यहाँ पे, पूरे हिंदुस्तान भर में यहाँ से रंग और हींग सप्लाई होती है। तब भी हर क्षेत्र की कुछ समस्या होती है, ऐसी कौन कौन समस्या है जो अभी यहाँ पर मौजूद है जिनका चाहते हैं निराकरण होना चाहिए? देखिए केवल एक तो यहाँ शहर में इंडस्ट्रियल एरिया की बहुत ज़रूरत है, इंडस्ट्री एरिया की, और दूसरा यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन बहुत कमज़ोर है, ट्रांसपोर्ट नगर भी होना चाहिए जिससे कि यहाँ का ट्रैफिक जाम की समस्या हमेशा रहती है, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन की बहुत समस्या है, जैसे हम लोग को कहीं माल वाल भेजना हो तो यहाँ लिंक नहीं हो पाता है, अच्छी 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 ट्रेनें भी यहाँ कायदे से रुकनी चाहिए, ट्रेनों का ठहराव नहीं है, हाँ ट्रेनों का ठहराव नहीं है यहाँ, अच्छी अच्छी ट्रेनों का ठहराव नहीं है, जो थे वो भी, हाँ जो भी बंद हो गई। चलिए और लोग से जानते हैं क्योंकि जनता जनार्दन ही सब कुछ है और उन्हीं की क्षमता है कि सरकार को पलट सकती है और दोबारा बना सकती है, तो अभी हम चलते हैं कुछ और लोगों के साथ में, जानते हैं उन लोगों की क्या राय है। अब हम सड़क के दाएं तरफ चलेंगे, हाथरस यानी रंग और हींग की नगरी है, और जैसा उन्होंने कहा है कि नमकीन और रंग की और हींग की 70 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं, पर उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन की समस्या भी यहाँ पर है, साथ ही साथ यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है उनका आवागमन की समस्या भी काफ़ी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ जो ट्रेन है उनका ठहराव भी नहीं होता है, उसमें भी काम करना चाहिए, तो और लोग जान लेते हैं। चलिए यहाँ पर होटल वाले जान लेते हैं क्या दिक्कतें हैं। भैया चुनाव पास आ गए हैं और मतदान होना शुरू होने वाला है, क्या मानते हैं कि किस तरह के कार्यकाल रहा योगी सरकार का और किसी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? नहीं योगी सरकार बननी चाहिए। कार्यकाल से खुश हैं? हाँ जी। पर विपक्ष तो कह रहा है कि नहीं इनका काम सही नहीं रहा, क्या मानते हैं? अब कहने वाले तो सब कुछ कह दे। ठीक है, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। भैया बोलेंगे मुझे तो कोई जानकारी है नहीं चुनाव के बारे में। वोटर नहीं है क्या? वोट नहीं देते हैं? वोट नहीं देते हैं? वोट नहीं है? वोट ही नहीं है? चलो ठीक है। तो भैया यहाँ पर उन्होंने बताया कि वोटर ही नहीं है और वोट नहीं है, तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, तो और वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। तो हमारे साथ कुछ और लोग व्यापारी लोग भी हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। दर चुनाव आ गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्या मानते हैं कैसा कार्यकाल रहा सरकार का और किसकी सरकार बननी चाहिए क्यों बननी चाहिए? कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया रही, गुंडागर्दी पर रोक लगी है, जमीनों पर कब्जे नहीं हो रहे हैं, बस इसे देख के वोट देंगे। विकास? विकास खूब हो रहा है इसमें, हाँ थोड़ा व्यापारी से परेशान है, वो देखो शायद आगे सही हो। महंगाई की कमान, महंगाई बड़ी समस्या रह रही है, महंगाई कोई गवर्नमेंट आ जाए नहीं रोक पाएगी। बिल्कुल, तो इन्होंने कहा महंगाई नहीं रुक पाई, बाकी कानून व्यवस्था और तमाम मुद्दों पर, गुंडागर्दी को लेकर, जमीन कब्जाई को लेकर उन्होंने कहा है सरकार बेहतर काम कर रही है, उनको दोबारा आते और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या राय है उनकी।
भैया चुनाव पास आ गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश का, सारे दल तैयारी कर रहे हैं, क्या मानते हैं किसकी सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए सरकार? तो भैया देखिए वैसे तो वोटिंग का मैटर है, पर हमारे हिसाब से तो योगी जी की बनेगी। विपक्ष कह रहा है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। विपक्ष तो सब काम अपना ही कहेगा, वो तो सारे जितने भी टेंडर हुए हैं सब हमने करे हैं, सारी सड़कें उन्होंने बनाई हैं, सारी चीजें उन्होंने ही करी है, तो बीजेपी सरकार क्या कर रही थी 5 साल से? ऐसा तो है नहीं, वो तो विपक्ष पक्ष की बात है, पर हमारा पक्ष तो भैया इधर ही है बीजेपी। अगर हाथरस की समस्याओं की बात करें, कितनी समस्याओं का निराकरण हुआ है और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो अब तक हल नहीं हो पाई? देखिए हर समस्या के लिए एक समय चाहिए होता है, एक टाइम पीरियड होता है। यदि आप सोचें कि किसी भी समस्या का हल तुरंत मिलेगा तो नहीं मिल पाएगा, हर समस्या के लिए थोड़ा समय चाहिए। और कुछ समस्याएं खत्म हो गई हैं, कम हो गई हैं, कुछ समस्याएं आगे आने वाले समय में कम हो जाएंगी। अब हर समस्या का समाधान सरकार के पास नहीं है साहब। शौचालय बने हुए हैं, लोग लेटर नहीं जाते हैं, लोग सड़कों पर पेशाब कर रहे हैं, लोग सड़कों पर कूड़ा फेंक रहे हैं, थूक देते हैं भी सड़क पर साहब, इतना खा के मसाला थूक देते हैं, उसके लिए कहाँ सरकार करेगी बताइए? तो सरकार के साथ साथ लोगों की जिम्मेदारी है, लोग नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। जय श्री राम। कुछ काम लोगों को भी करने होंगे और हमारे साथ एक दादा मौजूद है, दादा कुछ बोलेंगे? हाँ जी बताइए। तो यहाँ आइए, सामने बोलिए, किस बारे में बोलिए? तो ये बताइए चुनाव आ गए हैं जी, और किसकी सरकार बन रही है, क्यों बन रही है? देखिए सर मुख्य बात तो ये है, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये 100% निश्चित तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ जो इस समय सरकार पिछले विगत 4 सालों से 5 सालों से पूरी कार्य कर रही है योगी जी की सरकार और मोदी की सरकार, इसका कार्यकाल अगर देखा जाए, इसके कार्य देखे जाए तो अति प्रशंसनीय है, अति सराहनीय है। और वो एक अलग बात है कि कोई किसी को लाइक नहीं करता तो उसको वोट ना दे, लेकिन वास्तविकता यह है कि जितना काम किया गया है योगी जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, जगह जगह हर जगह कितने गरीबों को ना देखा गया कि मुस्लिम ना देखा गया कि ब्राह्मण ना देखा गया कि किस जाति का, सबको अनाज दिया जा रहा है, सबको भरपूर खाने को दिया जा रहा है, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इसके बावजूद भी अगर योगी जी को वोट ना दिया जाए किसी के द्वारा तो मैं तो समझता हूँ गलत है। दादा ने बोला है कि बहुत बेहतर काम किया है, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, उनसे बात भी कर लेते हैं। चुनाव आ गए हैं और मतदान शुरू होने वाला 10 तारीख से, क्या मानते हैं कि जो यहाँ के विधायकों हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा है और यहाँ की समस्याएं का निदान हुआ कि नहीं? देखिए निदान तो खैर बहुत बहुत कछु हुआ है निदान, और सरकार ने काम भी बढ़िया किए हैं, और हमारी समझ तो यही सरकार आनी चाहिए बस। हमारे और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। भैया चुनाव पास आ गए हैं, 10 तारीख से मतदान शुरू होने वाला है, क्या मानते हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए और मुद्दों को क्या हल होना चाहिए? मैं समझता हूं कि बीजेपी का जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो डिसिप्लिन जो था, गुंडागिरी से लेके आर समाज में सारी चीज़ें में मतलब एक अलग हटके काम किया, और जैसे कि गुंडागिरी के बारे में आपको भी बताया कि अदर उसमें पार्टियों में वैसे है, उसको बहुत कस के लगाम भी रखी थी, और मेरी भी हार्दिक शुभकामनाएं, और जैसे कि लोगों की मेंटेलिटी 90% जो बन चुकी है वो बीजेपी की रुझान है। और अगर आपको एक नई बात बताऊं, माननीय चौधरी अजय सिंह का मेरे मामा जी है, लेकिन उसके नाते भी मैं ये जानता हूं कि जैन चौधरी साहब जी जो है, जो हमारे नाना जी थे चौधरी शरण सिंह जी, उस हिसाब से वो नहीं हो पाए, वो खिन भिन वाले इंसान है, बड़ा अफसोस है मुझे कि वो उनके पत्रणों पर नहीं चल पाए। गठबंधन तो हुआ है, क्या मानते गठबंधन बेहतर परिणाम लाएगा? गठबंधन हुआ है अखिलेश यादव और जैन चौधरी का, इससे कुछ नहीं हो, उससे बेनिफिट कुछ नहीं है, ये हवा वाली बात है, पब्लिक सब जान। तो आरोप लगा रहा है कि पश्चिम में भाजपा का नुकसान होगा, कि किसान बड़े नाराज हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। उसमें एक और बात है, अगर मुजफ्फरनगर की बारे में बात करेंगे आप, ये हमारे चौधरी लोग जो थे उनके साथ क्या बड़ा अत्याचार हुआ, कितनी बड़ी, क्योंकि मोमडन जो है वो भी जमींदार है, 100-100 बीघे जमीन है उधर, मोमडन वहाँ वैसे नहीं है, मोमडन से मेरा कोई व्यक्तिगत कोई पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी जातवाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनको अत्याचार हुआ या उनके लिए क्या बेनिफिट मिला, क्या दिया उनको,
कितने बच्चे मरे, क्या मिला था? मान लिया अखिलेश लाल यादव ये क्या वहाँ आए थे या क्या सपोर्ट किया था, क्या किया था, क्या किया था उनके लिए? इसी नाते से मैं यही जानता हूँ कि देखिए मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ या मेरा पर्सनली किसी के बारे में नहीं है, लेकिन जो उनका जो रुझान और जो पब्लिक के लिए और उत्तर प्रदेश क्या ऑल इंडिया के लिए जो जैसे उन्होंने किया है, मेरे माने मेरे मेरे समझ के हिसाब से वो सब कुछ बढ़िया वेल जानते हैं उनकी राय क्या है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनकी राय भी ले लेते हैं। ठीक है, राइट है भैया, राइट। तो हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, दादा थोड़ा थोड़ा चुनाव आ गए हैं और मतदान होने वाला 10 तारीख से, क्या मानते हैं कि किसकी सरकार का काम बेहतर रहा, यहाँ के मुद्दे हल हुए कि नहीं हुए, और चाहते हैं किसको इस बार दोबारा कुर्सी पर बैठाना चाहिए? यहाँ के तो कोई खास वैसे मुद्दे तो हल हुए नहीं है। क्या क्या मुद्दे रहे यहाँ के हाथरस के? यहाँ के मुद्दे तो बहुत हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ महंगाई का ही है। महंगाई तो पूरे प्रदेश में है, अकेले हाथरस में इसमें ही है, प्रदेश में नहीं पूरे देश में। उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, खाली जातिवाद पर चुनाव हो रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि सरकार कार्यकाल कैसा रहा, किसकी सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए? कार्यकाल तो अच्छा रहा है। हमारे और लोग भाई, क्या नाम है भाई साहब? मेरे से मत पूछो आप, मैं बताऊंगा। तो फिर और लोग हैं, और लोगों से कुछ जानकारी ले लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ना कोई बात नहीं, बोल सकते हैं भाई, अच्छाई बुराई जो भी बोलना चाहे। चलिए ठीक है, तो हम और लोग भी, हमारे साथ एक मित्र है जो कि यहाँ पर भेलपुरी दुकान लगाए हुए हैं। भाई सरकार भी लगातार पट्टी दुकानदारों के लिए काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है, लोन भी दिया है, तमाम बातें की हैं जो पट्टी दुकानदारों के लिए। तो क्या नाम भैया? प्रेमचंद। प्रेमचंद, प्रेमचंद जी चुनाव आ गए हैं, आप भी वोटर होंगे, जहाँ से हाथरस के निवासी हैं, क्या मानते हैं सरकार का कार्यकाल कैसा रहा, यहाँ की समस्या हल हुई कि नहीं हुई, और किसकी गवर्नमेंट बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए? बीजेपी सरकार आनी चाहिए सर। आनी चाहिए भाई, इससे बाधा आपको बहुत बाधा है, इससे पब्लिक मरती थी, पब्लिक बचा इसने कोरोना से, और बहुत फायदा है, राशन फ्री मिल रहा है, बहुत भी फायदा, 500-500 रुपए खाते में आ रहे हैं। नहीं रही, आप कारोबार करते हैं, आपके कारोबार को दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, सहयोग मिल रहा है। हाँ, सब सहयोग मिल रहा है। तो सरकार का काम बेहतर रहा है? हाँ, बढ़िया काम है बिल्कुल सरकार। चले ठीक है, तो और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए, और सरकार कार्यकाल कैसा रहा है। एक सज्जन हमारे साथ मौजूद है, सरकार हमारे साथ मौजूद है, भैया क्या सुन रहे हो? अर्जुन नाम है। अर्जुन जी ये बताइए कि चुनाव पास आ गए हैं, और हर एक जिले के अपने अपने मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती हैं, तो हाथरस जो कि रंग और हींग की नगरी है, यहाँ की समस्या क्या रही है और क्या उनके हल हुआ? क्यों नहीं, यहाँ पे सब हल हो रहा है, हमारे चेयरमैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चेयरमैन तो साहब अलग बात है, विधायकों की बात करिए, विधायक ने क्या काम? विधायक ने भी अपनी अपनी जगह सब बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल। बस तो आरोप लगा रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है, और सरकार इस बार अखिलेश बनाएगी, खूब विकास हो रहा है, आप देखिए तालाब बन गया है, तालाब का पुल बन गया, आगे तालाब बनना है, क्या नहीं बनना है, सब काम। समस्या को समाधान हुआ, हाथी कौन समस्या रही है, मुख्य समस्या कौन कौन सी? समस्या तालाब का था, पुल बनना हो गया, पुल बनना है। हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, बीजेपी की बनाएंगे, योगी जी की बनाएंगे, और किसकी बनाएंगे? चले और लोगों से जान लेते हैं, और लोग वहाँ से मौजूद हैं जो कि हेलो ये कि तो बोल सरकार चुनाव आ गए हैं पास में, और चुनाव की बस गतिविधि हो गई है, और लगातार चुनाव की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, और 10 तारीख से पहला मतदान शुरू होने वाला है, क्या मानते हैं किसकी सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए, और यहाँ की समस्याएं जो है हाथरस की रंग और हींग की नगरी है वो हल हुई कि नहीं? यहाँ तो महंगाई का मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं है, विकास की बात करें अगर, विकास है रहो, खूब है रहो, विकास हो रहा है, तो किसकी सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए? अब सरकार तो देखो कौन की बनेगी, जो कर रहा है वाकई बनेगी सरकार, तो टक्कर की लड़ाई है, टक्कर की है, टक्कर की है, ठीक है। तो हम और लोगों से जानकारी कर लेते हैं, और कुछ और दूर दुकानदार भी यहाँ पर जो कि यहाँ फल के जो स्टॉल लगाए हुए हैं, सर क्या नाम? केला सी। क्या मानते हैं कि कैसा कार्यकाल रहा यहाँ के विधायक का और सरकार का 5 साल का? विधायक तो सही है, विधायक को कोई काम ही नहीं हुआ, विधायक का समस्या कौन कौन सी रही हाथरस? कुछ नहीं रही, सही चल रहा है हाथरस तो। मुद्दा जो है योगी और मोदी का है, बस विधायक कार्य करे ना करे,
फुल सपोर्ट योगी योगी हमारे और लोग भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं क्या समस्या बताइए। हाँ, हमारा मुद्दा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, प्रशासन बहुत अच्छा है, गुंडाई दूर हुई है, इस बात का तो हाथरसवासी बहुत अच्छे से विकास हो रहा है, सबको पता है। समस्या हल हुई हाथरस की? हाँ, 100% तो नहीं बोल समस्या रही हल हुआ, 100% तो नहीं बोल सकते, 99% तो हम बोल सकते हैं। ओके 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 ठीक है। हमारे और लोग भी मौजूद है, उनसे जानकारी कर लेते हैं कि क्या स्थिति है और क्या चल रहा है, क्योंकि जानना जरूरी है। चुनाव पास है, 10 तारीख से पहला मतदान शुरू होने वाला है, हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या मानते हैं, क्या चुनाव की क्या स्थिति है और सरकार कार्यकाल कैसा रहा। ऐसे ही पूछिए, हमें नहीं पता, हम तो लखनऊ में रह रहे हैं ना, इधर नहीं रह रहे। चलिए ठीक है। अच्छा, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी कर लेते हैं कि क्या स्थिति रही है चुनाव की और कैसे चुनाव जा रहा है और सरकार का कार्यकाल जो पिछले साल का कैसा रहा है। नीरज गौतम। अच्छा, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि काम बेहतर नहीं हो, क्या मानते हैं किसकी सरकार बननी चाहिए, क्यों बनी? काम तो बेहतर किया है, पर थोड़ा मूलभूत जो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे आदमी की महंगाई है, महंगाई पर थोड़ा काम होता तो बाकी, अगर वैसे देखा जाए अल्टरनेटिव तो वैसे ठीक है, लेकिन महंगाई के मामले में थोड़ा सा निराश किया है सरकार ने, और कुछ नहीं। लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत है, काम तो हुआ पर महंगाई बहुत है, महंगाई मुख्य मुद्दा है। महंगाई है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट सबसे ज़्यादा आई हैं पूरे दिल्ली में, देखिए आपके बाकी इलेक्ट्रिसिटी सबसे सेम ही है, अब वही है, क्या बताएं सर अब। और ये तो लोग हैं, उनसे जानकारी कर लेते हैं, एक दारा मात्रा मौजूद, उनसे बात करते हैं, फिर इस बात को इस पब्लिक के रुझान को खत्म करते हैं। ये चुनाव पास आ गया है, क्या मानते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए? सरकार तो योगी की बननी चाहिए ना, क्योंकि उसने काम बढ़िया किए हुए, लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, पुल बन गया हमारा, समस्या कम होती जा रही है, जो है बढ़िया काम कर रहे हैं वो मोदी, बढ़िया काम कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं, हर महीने में 2 बार सामान मिल रहा है उनको, जो है सभी सुविधाएं, और महंगाई कोई ऐसी खास बात नहीं है, लोग वहाँ दारू क्यों पीते, इतनी महंगी है तो, बाकी जो पेट्रोल भी लेवल में आ जाएगा। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कोई काम नहीं किया है। नहीं, काम बहुत हुए हैं यहाँ पे, हाथरस में बहुत काम हुए, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हाथरस में काम हुए, समस्याएं हुई, हल हुई है। हाँ हाँ, पुल बना हुआ है, अभी उन्हीं की उसमें बना हुआ है, और भी काम हो रहे हैं उनके गलियों में, सड़क बन रही है, ऐसी बात नहीं है, बहुत से काम हो। तो अभी हम थे हाथरस के जो हींग और रंग की नगरी, हाथरस के शासनी गेट पर, जहाँ पर हमें जनता का रुझान जाना, जनता का कहना है कि योगी सरकार ने बहुत बेहतर काम किए, हालांकि महंगाई को बड़ा मुद्दा बताया है, और साथ ही कहा है कि सरकार में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर रही है, गुंडागर्दी खत्म कर दी है, और जिस तरह से हींग और रंग का कारोबार जो कि ODOP प्रोडक्ट कहलाता है उसको बेहतर किया गया है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर इंडस्ट्रीज चल रही है, जनता को रोजगार भी मिल रहा है, और बेहतर काम योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब फिलहाल आने वाले समय में क्या होगा ये कन्फर्म नहीं है, कि जनता जनार्दन है किसको सरकार बनाती है, किसकी बदलती है, वो पक्ष बताएगा, पर ये बात बिल्कुल साफ है कि हाथरस में जनता का रुझान निश्चित रूप से ये बता रहा है कि सरकार का कार्यकाल फिलहाल पिछड़ा ठीक रहा है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम TV लखनऊ। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।